नमस्कार दोस्तों, मैं मानसी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 28। तो चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा परासिया में सूर्यकांत तारण से 14 मतों से जीते श्याम साहू। बता दें कि इस बार परासिया अधिवक्ता संघ चुनाव में कांटे की त्रिकोणीय मुकाबला रहा। 3 बार के अधिवक्ता संघ के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव था, जिसमें वे 14 मतों से विजय रहे। वे कांग्रेस समर्पित प्रत्याशी रहे। अपने निकटतम भाजपा समर्पित प्रत्याशी सूर्यकांत को 14 मतों से हार का सामना करना पड़ा। चौंकाने वाली बात रही कि श्याम साहू को भाजपा संघ के सदस्यों का साथ मिला। अरुण यदुवंशी सचिव, सुमरलाल यादव कोषाध्यक्ष बने। अधिवक्ता संघ की नई कार्यकारिणी तस्वीर सामने आई, जिसमें 191 से 184 सदस्यों ने मतदान किया। 4 बजे मतगणना प्रारंभ हुई। दूसरे राउंड में विजय रहे श्याम साहू, गुरुप्रसाद शर्मा और सूर्यकांत तारण को हार का सामना करना पड़ा। अरुण यदुवंशी ने कमर अहमद को 42 मतों से हराया। राजकुमार वर्मा नए उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। संतोष वर्मा और कंचन चौरसिया कार्यकारिणी सदस्य निर्वाचित हुए। श्याम साहू अध्यक्ष तो निर्वाचित हुए तो हुए कांग्रेस के अलावा विरोधी भाजपा RRS समर्पित अधिवक्ताओं का भी वोट मिला। इसके अलावा पक्ष विपक्ष की भूमिका रहे। परासिया संवाददाता जगदीश पाल की रिपोर्ट। आज जीत जो है पूरे अधिवक्ता संघ परासिया की है, मेरे सभी साथियों की जीत है, जिसमें मेरी बहनों की जीत है, मेरे सीनियरों का आशीर्वाद मुझे मिला, मेरी बहनों का मुझे आशीर्वाद मिला, ये उनकी जीत है। और निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद और मेरे सीनियरों का आशीर्वाद, मेरे जूनियर साथियों का, मेरा जो सहयोग था, उन्होंने जिस आशा के साथ मुझे आज चुनकर उन्होंने लेके आया है, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं उनकी आशाओं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँ। निश्चित रूप से सभी अधिवक्ता साथियों की जीत है।